तो हाँ जी, अभी आप जिसको देख रहे हैं स्क्रीन पे वो काफी ज्यादा फेमस है और आधे से ज्यादा लोग तो पहचान भी गए होंगे। जी हाँ, ये है जॉनी हॉट डॉग, जो कि 56 दुकान में है इंदौर के, और काफी ज्यादा फेमस इनके हॉट डॉग हैं। सबसे ज्यादा वेज हॉट डॉग यहाँ पे चलते हैं। तो चलिए अंकल से ही पूछते हैं कैसे उन्होंने शुरुआत करी और कैसे वो। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विजय सिंह। अच्छा, कब से आपने सोचा कि हॉट डॉग लगाने का और कब से आपकी दुकान है? वो तो जब बीते हुए जमानों की बात है, 40 साल पहले 45 साल हो गए। तो आप पहली पीढ़ी है कि दूसरी की पहली? मेरे फादर और मदर दोनों मजदूरी करते हैं। इन्होंने जॉनी हॉट डॉग लगाने का सोचा और आज इनकी दुकान पूरे वर्ल्ड में मशहूर है सिर्फ इनके जॉनी हॉट डॉग के लिए। खाने वाले भी मशहूर है और दुकान भी मशहूर है और अंकल भी काफी ज्यादा मशहूर है। आप देख सकते हैं सबके सारे के सारे सेलिब्रिटीज के साथ यहाँ पर इनकी फोटो लगी हुई है। सबने इनकी दुकान 56 में विजिट कराया हुआ है। अंकल प्राइस क्या रहता है हॉट डॉग का? भैया हम जो है आलू का तो बनाते हैं 30 रुपये का लेते हैं, आलू और घी से बनाते हैं। और हम खास करके क्या, हमारे पढ़ने वाले बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो उन लोगों के लिए 4-6 घंटे की डाइट फुल रहती है। 30 रुपीज़ में शुरू हो जाते हैं वेज हॉट डॉग। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। प्योर देसी घी में यहाँ पर सेका जाता है इनको और काफ़ी ज़्यादा, भाई देख सकते हो एकदम अंकल के हाथ रुकते ही नहीं है। जल्दी से जल्दी यहाँ पर जितने हॉट डॉग रेडी हो जाएं, सिर्फ ये सब आप देख रहे हो, मैं 2 मिनट बोलूँगा उसके बाद ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेट भी लगी हुई है, वहाँ भी लग रही हैं। काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है यहाँ पर। एक बार मैं आपको भीड़ भी दिखा दे रहा, भाई देख सकते हो सब के सब यहाँ पर जॉनी हॉट डॉग खाने के लिए ही खड़े हुए हैं। अंकल टाइमिंग क्या रहती शॉप की? खुलते हैं रात में 9 बजे से रात के 10 बजे तक, मतलब भाई 13 घंटे यहाँ पर नॉन स्टॉप काम होता है और यहाँ पर नॉन स्टॉप हॉट डॉग बनते रहते हैं। क्या है कि जब जैसे धूप का टाइम रहता है, अब आज क्या है, आज कॉलेज की बच्चों की एग्जाम खत्म हुई है, तो थोड़ा उत्साह ज्यादा है। अच्छा, आज अंकल काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनके बच्चों की आज एग्जाम खत्म हुई है। हाँ, सबकी एग्जाम खत्म हो गई और सब यहाँ पर पार्टी करने आए हैं हॉट डॉग खाने के लिए, और अंकल भी काफी ज्यादा खुश हैं। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे यहाँ पे मिले, क्योंकि फिर हमारे यहाँ खाने आएंगे, कोई 10 साल में आएगा, कोई 5 साल में, कोई साल में, कोई 20 साल बाद आएगा, तो खुशी हमको इसी बात है। उनके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं जो भी पहली बार आता है, क्योंकि भाई इनका टेस्ट ही ऐसा है। तो चलो हम लोग भी लगवाते हैं। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर बन आ चुके हैं। इसके अंदर कुछ भरा रहता है? बन ये जैसे ही सादा बन। अच्छा, ये सादा बन है। हम लोग क्या है, तो इसलिए घर जैसा, जैसे घर पे खाना अपना बनता है वैसा अच्छा टेस्टी लगता है। हाँ, साधारण है, कोई इसमें ना केमिकल है। हाँ, ना कोई एकदम सादा सिंपल यहाँ पे बन रहा है, साधारण है। ये पाव के अंदर उसको अच्छे से देसी घी में सेक के उसके अंदर ये काय की टिकिया रहती है? अच्छा, आलू की टिकिया, गरम मसाला, नमक, मिर्ची और हरा धनिया, सारे मसाले धनिया इसमें मिक्स होके। ये पाव जो आपको दिख रहा है ये कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ आपको जॉनी हॉट डॉग में मिलेगा। और इसके अंदर ये भर के नहीं, लेकिन ऐसा पाव मैंने जबलपुर और काफी ज्यादा एरिया में नहीं देखा। खाने वाले जो है वैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। ये